राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब नियुक्तियां शुरू कर दी है। एमएल लाठर को अब मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। आप सभी को बता दें कि वह पहले राजस्थान के डीजीपी रह चुके हैं। इसी के साथ में सूचना आयुक्तों को पर भी नियुक्ति दी गई है। आप सभी को दिखाते हैं ये पूरी सूची कि आखिरकार किस किस को कौन कौन से पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। राजस्थान में खाली पदों पर नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी एमएल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। लाठर पहले से सूचना आयुक्त के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व आईएएस सुरेश चंद गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और लॉ सर्विस से रिटायर्ड टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी गई। मुख्य सूचना आयुक्त और तीनों आयुक्तों की नियुक्ति 3 साल पहले हुई है। इन पदों पर 3 साल या 65 साल तक की आयु पूरी होने तक नियुक्ति का प्रावधान है। मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए एमएल लाठर गहलोत राज में डीजीपी बनाए गए थे। रिटायर होने के बाद गहलोत राज में उन्हें जनवरी 2023 में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी गई थी। अब उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।